दोस्तों स्वागत है आपका अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट्स जो कि फीफा 2018 वर्ल्ड कप जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है उससे लिए गए हैं। दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक है क्योंकि ये हाल ही में संपन्न हुआ है और ये वर्ल्ड वाइड एक लार्ज वाइड वॉल्यूम पर इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इवेंट भी है दोस्तों। तो दोस्तों आगे भी आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स एंड जीके और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल किसी भी सब्जेक्ट के फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं फीफा 2018 वर्ल्ड कप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप है 21वां फीफा वर्ल्ड कप है, मतलब ये 21वीं बार आयोजित किया गया है वर्ल्ड कप फीफा के द्वारा। दोस्तों इस बार जो आयोजन हुआ था फीफा का 2018 वर्ल्ड कप का वो रशिया में हुआ था, रशिया में 14 जून से 15 जुलाई के बीच में। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप रहा है, अगर देखा जाए तो करीब करीब 14 बिलियन डॉलर का जो खर्चा इसमें आया है। उसके बाद दोस्तों ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम यूज़ किया गया है, VAR। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है दोस्तों जिसमें कैमरे से नज़र रखी जाती है प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ पर और उससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस विधि से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बारे में और डिस्कस किया जाए तो टोटल 32 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जिसमें से 31 टीम क्वालिफिकेशन राउंड से होकर आई थी और एक टीम जो कि होस्टिंग नेशन की थी रशिया की वो डायरेक्ट आई थी। तो टोटल 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद दोस्तों टोटल 64 मैचेस खेले गए थे जिसमें टोटल गोल्स हुए 169। ये सिर्फ एक फैक्ट वाइज है, टोटल गोल्स आप याद रख सकते हैं। दोस्तों जो फाइनल हुआ था, जो इसमें जो फाइनल हुआ है वो लुजेन की स्टेडियम जो कि मॉस्को में है रशिया में, फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में हुआ है। मतलब जो दोस्तों जो फाइनल की जो टीमें थी जिस फाइनल जो हुआ है उसमें फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में मैच हुआ था। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस इस वर्ल्ड कप की विजेता रही है जो कि 4-2 से जीती है, मतलब 4 गोल फ्रांस ने किए थे और 2 गोल क्रोएशिया ने किए थे। उसके बाद दोस्तों जो टॉप गोल स्कोरर रहे इसमें वो हैरी केन है जो कि इंग्लैंड के, जिन्होंने 6 गोल किए हैं। उसके बाद दोस्तों जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है लुका मॉड्रिक को मिला है जो कि क्रोएशिया के टीम के टॉप मोस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद दोस्तों जो बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है वो मिला है क्लेम मेबेपे जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। उसके बाद दोस्तों बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है थीबॉट कॉर्टोइस जो कि बेल्जियम के प्लेयर हैं और फेयर प्ले अवार्ड दोस्तों स्पेन की टीम ने जीता है। और अगर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट की नोट्स अगर हम जानना चाहें तो फीफा जो है दोस्तों उसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका एब्रीवेशन पता होना चाहिए जो होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 21 मई 1904 को की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है फीफा का वो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और जो करंट फीफा के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिन। दोस्तों अगर पेरिस की बात की जाए जो कि फ्रांस की कैपिटल सिटी है तो फ्रांस की कैपिटल सिटी पूछी जा सकती है वो है पेरिस। जैग्रेब जो है दोस्तों क्रोएशिया की कैपिटल सिटी है। और अगर करेंसी की बात की जाए दोस्तों तो क्रोएशियन कूना जो है दोस्तों वो क्रोएशियन करेंसी है, मतलब क्रोएशिया की करेंसी का नाम क्रोएशियन कूना है। और यूरो जो है दोस्तों वो फ्रांस की करेंसी है। तो दोस्तों आगे भी इसी तरीके के इम्पोर्टेंट जीके नोट्स आपको लेने के लिए, करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स और सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स के लेक्चर्स आपको एक ही जगह पर पाने के लिए इस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं और उसका हम आने वाले लेक्चर में आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।